हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी आज हम करेंगे क्लास एलेवेंथ का चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम इससे पहले हम दो चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं हमारा एम है एन को ख़त्म करना उसके बाद हम सारी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कर रहे हैं पहला टॉपिक है एलगे देन ब्रायोफाइटा टैडियोफाइटा जिमनोस एन एन प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कि एन है ये टू एन है ठीक है या फिर है इसको एन को बोलते हैं हैंप्लोंटिक टू एन को बोलते हैं डिप्लोन्टिक या फिर दोनों है हेपलोंटिक डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है तो ये हम पढ़ेंगे और ये सारे जो है प्लांट किंगडम के फर्दर क्लासीफिकेशन हैं ठीक है ठीके? ये सब प्लांट किंगडम में आते हैं प्लांट किंगडम की क्लासीफिकेशन है ये जैसे हमने पहले फर्दर uh, क्लासिफिकेशन पढ़ी है मोनेरियन प्रोटेस्टियन फनजाई तो इसी तरह से हम अब प्लांट किंगडम की फ़र्दर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ठीक है तो फाइव किंगडम सिस्टम जो है वो आर एच वित ने पढ़ा था ये हम पढ़ चुके हैं नाइनटीन सिक्सटी नाइन में इन्होंने ये दिया था और उनमें कौन कौन सी किंगडम थी मोनेरा प्रोटेस्टा फनजाई एनिमलिया और प्लान्ट उसमें से जो पॉपुलर प्लांट किंगडम है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो जो उसका पहला ग्रुप है वो है एल अभी हम पहले ही रेफर कर चुके हैं कि जो साइनोबैक्टेरिया है ब्लू ग्रीन एल्गे ये किस में आता है ये मोनेरियन में आता है ठीक है इसके मैडम क्लासिफिकेशन में मोनेरियन में इसको रख दिया था तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स होती हैं इसके बेसिस पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस करा दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आया उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और ये दिया था कार्लस लीनियस ने उन्होंने क्या किया उन्होंने जो प्लांट के कैरेक्टर्स थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो बाहर से दिखते थे ठीक है वो वाले कैरेक्टर और फ्लावर के कैरेक्टर ले लिया उन्होंने और उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दे दी यानी कि बे बेसिकली उन्होंने क्या किया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिए और सेक्सुअल करेक्टर्स लिए और दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया उन्होंने अब देखो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज हो सकते हैं तो उनको इक्वल वेटेज देना सेक्सुअल करैक्टर्स के वो जस्टिफाई नहीं था ठीक है इसलिए इसे आर्टिफिशियल सिस्टम कहा गया और क्योंकि इसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी लिया गया था इसलिए इसे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा गया है तो ये याद रखेंगे कि किसने दिया है आर्टिफिशियल या सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने लिया है उसके बाद आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब आर्टिफिशियल सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया गया तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसको बैंथम और हुकर ने दिया इसमें साइंटिस्ट के नाम याद रखेंगे बैंथम एंड हुकर इन्होंने दिया इन्होंने क्या किया इंटरनल कैरेक्टर्स तो लिए ही लिए इसके साथ में एक्सटर्नल कैरेक्टर्स भी लिए मतलब दोनों कैरेक्टर्स को बैटेज दिया इन्होंने इंटरनल कैरेक्टर्स को भी और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को भी ठीक है इंटरनल कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए जैसे कि एनाटोमी है एम्ब्रियोलॉजी है फाइटोकेमिस्ट्री है उनको लिया ठीक है तो इंटरनल इंटरनल कैरेक्टर्स को इन्होंने इक्वल वेटेज दिया दैट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अब हम कर चुके हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अब फाइलोजेनी में क्या था होता है कि हम ना एनसिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे एनसिस्टर ने क्या किया तो उनकी फाइलोजेनी पूरी पढ़ते हैं तो ये वाला सिस्टम दिया था हमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम किसके बारे में पढ़ते हैं अपने एनसिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो एनसिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं ये हमें दिया था एंग्लर एंड प्रेंटल ने एंगलर एंड प्रेंटल और इसमें हुचेशियन का नाम भी आता है कई बार कि हुचेशियन ने वैसे बाद में डिस्क्राइब किया था पहले एंग्लॉ पेंट फिर हुचेशियन ने डिस्क्राइब किया था इसे ठीक है तो ये साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं कि उन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था ठीक है अब इसको जो है फोशल एविडेंस जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं मिल पाए इसलिए नेक्स्ट आया न्यूमेरिकल तो दिस बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फोशिल फोसल एविडेंसेस जब फोसिल एविडेंसेस नहीं थे उसके बावजूद भी ये क्या सपोर्टिंग होने लगा तो न्यूमेरियल टेक्सोनोमी क्या होती है जिसमें नंबर्स हैं नंबर्स एंड कोड्स जो कैरेक्टर्स को असाइन किए गए ठीक है जैसे कि हम कंप्यूटर डाटा जो है वो इकट्ठा कर सकें तो उसे बोलते हैं न्यूमेरियल टेक्स अब नेक्स्ट है साइटोटेक्सोनॉमी अब देखो जैसे कि नाम से पता लग रहा है साइटो यानी कि सेल साइटोटैक्सोनॉमी में हम कैसी इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है स्ट्रक्चर क्या है बिहेवियर क्या है यानी कि सेल के बिहेवियर में के बारे में जानते हैं तो क्या है साइटोटेक्सोनॉमी यानी कि क्रोमोसोम का नंबर स्ट्रक्चर बिहेवियर लाइक दैट एंड देन है कीमोटेक्सटैक्सी कीमोटैक्सी यानी कि केमिकल रिएक्शन जो हो रही हैं और कीमोटैक्सी में हम डीएनए के नेचर के बारे में पढ़ते हैं क्यों डीएनए के नेचर के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि डीएनए बेसिकली किससे बना होता है केमिकल से बना होता है तो डीएनए के बेसिक नेचर के बारे में भी हम किस में पढ़ेंगे कीमोटैक्स में पढ़ेंगे तो बेसिकली हमने पहली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या किया था नेचुर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय लीनियस देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय दैट इज़ गिवन बाय बैंथम एंड हुकर देन उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय इचलर एंड प्रेंटल देन न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के बारे में हमने पढ़ा कि न्यूमेरिकल डाटा इसमें यूज होता है कोर्स में यूज होते हैं साइटोटेक्सोनोमी में सेल के बारे में बेसिकली क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर वगैरह और कीमोटेक्सोनॉमी में केमिकल रिएक्शंस और हम डी एन ए के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि डी एन ए भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट में आता है तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से प्लांट के ऊपर जो है एक क्लासीफिकेशन दी गई ठीक है इसके बेसिस हमने ये पढ़ा अब नेक्स्ट है algae. तो algae जो है तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट आता है इसका कि फर्दर डिवाइड हो जाता है जब ये फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स डिविजन जो होते हैं जैसे कि फाइलम होते थे ना एनिमल में इसी तरह से इसमें क्या होता है डिवीजन ठीक है <coughs> तो देखो इसमें एलगे में जो आएगा हमारा एलगे में जो uh, ग्रीन एलगे भी आते हैं ब्राउन फर्दर हम इसको बताएंगे कि ये जो एलगे होते हैं लाइक स्ट्रक्चर -like होते हैं ठीक है थैलास लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सिंपल होते हैं ठीक है एक्वेटिक भी हो सकते हैं फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं मेराइन भी हो सकते हैं ठीक है मोइस्ट स्टोन पर भी उग सकते हैं मोइस्ट सोल या वुड पर भी उग सकते हैं ठीक है ये और ये फंजाई के साथ एसोसिएशन करते हैं लाइकनस में हम पहले भी चैप्टर्स में पढ़ सकते हैं तो देखो ये तो बहुत आसान सा था कि लाइकन के साथ क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं लेकिन ये एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन करते हैं जैसे कि स्लौथ ब्योर के ऊपर लग जाते हैं तो एनिमल के साथ भी करते हैं तो एनिमल एनिमल्स में ही स्लोथ बियर का नाम याद रखना जरूरी है कि एनिमल्स के साथ भी ये एसोसिएशन करते हैं अब इनका जो साइज होता है वो वेरी करता है माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं जैसे क्लाइमेटोमोनास है और कोलोनियल भी हो सकते हैं जैसे कि वॉल है ठीक है लंबे यूलोथ्रिक्स की तरह भी हो सकते हैं और स्पायर वगैरह की तरह भी हो सकते हैं तो और मेराइन जो होती है कैल्प उसकी तरह भी हो सकते हैं कैल्प क्या होते हैं बहुत लंबे 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 फ्लावर्स -लंब -लंब होते हैं कई मीटर्स तक इनकी जो है हाइट चली जाती है तो ये वेरी करते हैं साइज और सेप में अब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये ठीक है सॉरी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं तो रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड है देखो एक तो फ्रेगमेंटेशन से कि मतलब ये थैलस है ये ब्रेक हो गया फ्रेगमेंट हो गए इसके और ये एक कंप्लीट जो फ्रेगमेंट है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा ठीक है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ये दूसरा ये ए सेक्शुअल रिपोडक्शन कर सकते हैं बाय द जूस पोर ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं ये सेक्शुअल रिपोडक्शन कर सकते हैं इनके थ्रू ये ठीक है और जूस फोरन जो ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होकर नए प्लांट में ग्रो कर देते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आप देखो आइसोगेमस हो सकते हैं जैसे कि क्लाइमडोफोरा में हमने देखा था कि ये जो है क्लाइडोफोरा में सेम होते हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं बिल्कुल सिमिलर एक जैसे ठीक है तो आइसोगेमिक्स हो सकते हैं एनआईसोगेमिक्स हो सकते हैं जैसे क्लाइमोडोमनास में है ठीक है और उगेमस हो सकते हैं ओ कैसे हो सकते हैं कि मतलब जो ओवा है वो तो बड़ा है और जो स्पम है वो छोटा है तो जैसे कि फ्यूकस और वोलवक्स में क्या हो सकते हैं ये फ्यूकस और वोलवक्स में उगेमस ठीक है एनआईस ओ हमने पढ़ लिया तो ये हो सकते हैं अभी इनकी क्लासेस कितनी हैं तो थ्री टाइप्स में डिवाइड देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दे रखा है कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये दिख रहा है आपको ये वॉल्वक्स का स्ट्रक्चर है कॉलोनी में कॉलोनियल है और डॉटर कॉलोनी बना के ये अलग हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे ये क्लाइमेडोमोनास है और यहाँ से आपको दिख रहा है कैरे का स्ट्रक्चर कैरा में देखो ब्रांचेज और एक्सेस दिखाई हुई हैं तो ये डिफरेंट है अब ये देखो ये आ गया है ये देखो इसमें आपको दिख ये दिखेगा आपको ये फ्रोंड है ये स्ट्राइप है ये होल्ड फास्ट है ठीक है ऐसे ही इसमें भी दिखाया ये ब्राउन एलगे हैं ये ठीक है ये, ये, ये फ्रंट और स्ट्राइप दिखाया हुआ है होल्ड फास्ट जिससे ये मटेरियल से जुड़ा रहता है देखो ये रेड गए है पोरफायरा और ये पोलिसिफोनिया है ठीक है तो ये तीनों टाइप के एलगे जो थे ग्रीन ब्राउन और रेड एलगे की ये जो है पिक्चर दी हुई है एनसीईआरटी में तो ये भी हमें एक बार देख लेनी है ठीक है अब देखो इसकी इकनोलोज... इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होती है अभी अब तो हमने पढ़ा कि कि कैसे रिप्रोडक्शन करता है जिसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होती है तो बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है सबसे पहली इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो है कि कि हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है उस पर मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है सबसे ज्यादा एलगे जो है ठीक है मेन जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं ये ऑक्सीजन के और इनकी पारामाउंट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एनर्जी रिच कंपाउंड है बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड है तो फूड साइकिल में ये यूज होते रहते हैं जैसे कि पोरफाइरा है लेमिनेरिया है सरगसम है पोरफाइरा तो रेड एल्गे हो जाता है और लेमिनेरिया और सरगसम क्या हो गया ब्राउन एल्गे हो गए इनकी सेवेंटी स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गे फूड की तरह यूज होती हैं किसकी पोरफाइरा लेमिनेरिया और सरगसम की ठीक है अब जो ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे हैं ये हाइड्रोकोलाइड की तरह भी यूज होते हैं जैसे कि एल्गिन है और एल्गिन क्या है ब्राउन एल्गे है ठीक है अब देखो कैरागिन है जो है रेड ये कैरा एल्गिन और कैरागिन एल्गिन क्या है ब्राउन एल्गे और कैरागिन क्या है रेड एल्गे ठीक है एक सबस्टांस होता है अगर ठीक है वो गैलेडियम और ग्लेसेनेरिया गले, ये होते हैं रेड एलगे इनसे बनता है ठीक है और ये किस में यूज होता है आइसक्रीम की प्रिपरेशन में जेली की प्रिपरेशन में माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए और देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरेला क्लोरेला क्या है एक सिंगल सेल्ड प्रोटीन होता है तो ये फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होता है क्योंकि स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं उन्हें बहुत कम अमाउंट में चीज़ें ले जानी होती हैं स्पेस में तो ये उनके लिए आ, प्रोटीन का काम करता है तो फूड सप्लीमेंट है स्पेस ट्रैवलर्स के लिए ठीक है तो ये हो गई इसकी इकनो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अब इसकी फर्दर कौन कौन सी क्लासेज में डिवाइड हो रहा है तो ये थ्री क्लासेज में डिवाइड हो रहा है क्लोरोफाइसी फीओफाइसी रोडोफाइसी नाम से पता लग रहा है क्लोरो ग्रीन फीओ ब्राउन और रोडो रेड अब हम नेक्स्ट करेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में देखो क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते हैं क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एलगे ठीक है अब देखो इसमें क्या पिगमेंट प्रेजेंट होता है पिगमेंट ए और बी प्रेजेंट होता है इसमें ठीक है और ये दोनों पिगमेंट कहाँ लोकेटेड होते हैं क्लोरोप्लास्ट में हमें पता है क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है डिस्कोइड प्लेट सेप्ट रेटिकुलेट और कप सेप्ट स्पायरल और रिबन सेब्ड भी हो सकता है डिफरेंट स्पीसीज का हो सकता है और जो इसकी स्टोरेज बॉडीज हैं वो है पायरोनोइड ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि क्लोरोफाइल में पायरानॉइड बॉडी प्रेजेंट होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती है इनका लोकेशन कहाँ है कहाँ मिलती है पायरानोइड बॉडी क्लोरोप्लास्ट में और ये क्या होती है ये कंटेन करती हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च ठीक है और सम समलगे जो है स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑयल फूड जो है स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स आल्सो ठीक है और इनकी जो वॉल होती है रिजिड सेल वॉल से बना हुआ होता है ठीक है जो आउटर लेयर होती है वो पैक्टोज की बनी होती है और जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है तो ये ध्यान रखेंगे आउटर लेयर पैक्टोज इनर लेयर सेलुलोज ठीक है अब रिप्रोडक्शन कैसे होती है वेजिटेटिव रिपोडक्शन वैसी होती है फेगमेंटेशन के थ्रू और ए सेक्शुअल रिपोडक्शन होती है जूसपोर के थ्रू जैसे मैं बता चुकी हूँ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे ही आइसोगेमस एनाइक्सोगेमस और ओ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एलगे में यही होता है अब इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके इसके नाम याद रखने इंपॉर्टेंट चीजें देखो एग्जाम्पल याद रखने जैसे कि क्लाइमेडोमनस ग्रीन एल्गे है वोलवोक्स ग्रीन एल्गे है यूलोथिक्स ग्रीन एल्गे है स्पायरो कैरा ये सब क्या है ग्रीन एलगे है और इसका हम पहले भी ले चुके हैं एग्जाम्पल तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि कैसे होते हैं अब देखो इसमें ए और सी पिगमेंट था सॉरी ए और बी पिगमेंट था क्लोरोफिल का पिगमेंट क्या था ए और बी प्रेजेंट था तो अब एक ट्रिक बताती हूँ ये ए और बी प्रेजेंट होएगा इसमें फियोफाइसी में ए और सी प्रेजेंट होएगा पिगमेंट ठीक है और रोडोफाइसी में ए और डी प्रेजेंट होगा तो ये याद रख लेना बस बी सी डी ऐसे बना लेना तो देखो ब्राउन एलगे जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होंगे जैसे कि पता है ठीक है इनकी रेंज बहुत ज़्यादा फिलीमेंटेश होते हैं जैसे कि एक्टोकार्प एक्टोकार्पस होते हैं और कैल्प मैंने पहले ही बताया था कि फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक फ्यू मीटर्स भी हंड्रेड मीटर्स की हाइट तक जा सकते हैं अभी क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में बता दिया कि ए और सी प्रेजेंट होता है और कैलेटनॉइड्स और जेंथोफिल इसमें प्रेजेंट होते हैं ठीक है और जो ये जो, जो इनका अमाउंट होता है डिपेंड करता है कलर पर इनका कलर ओलिव ग्रीन से ब्राउन सेड की फॉर्म में आ सकता है फ्यू जो होती हैं ब्राउन एल जो होती हैं और इसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि इनमें क्या होता है होल्ड फास्ट फ्रोंड स्ट्राइप जैसे कि ये ऊपर वाला तो क्या हो गया फ्रोंड देन स्ट्राइप हो गई और नीचे क्या होएगा होल्ड फास्ट इस तरह से ये होते हैं ठीक है और एलगिन के बारे में हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पढ़ा था कि जलेटिनियस स्टॉन्स होता है ठीक है और इसकी जो कोलोडियल कैपेसिटी ज्यादा होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है अब देखो फूड स्टोर फूड जो था वो क्लोरोफाइसी में क्या था पायरनोइड बॉडीज थी प्रोटीन इन स्टार्च और ऑयल ऑइलोट्स की फॉर्म में यहाँ पर जो है फूड वो लेमिनेरियन लेमिनेरिन और मेनिटोल की फॉर्म में जो है स्टोर होता है ठीक है तो ये ध्यान रखने वाली बात है ऐसे ही इसकी जो वॉल के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है ठीक है और ऊपर ना एक जेलेटिनियस प्रेजेंट होता है जिसे हम एल्गिन बोलते हैं ठीक है तो ये इन अंदर से सेलुलोज और बाहर से एल्गिन वो क्या था अंदर से सेलुलोज और बाहर से पैक्टोज ठीक है तो इस तरह से बनती है ये नेक्स्ट हम करेंगे कि uh, कैसे इसकी जो रिप्रोडक्शन तो सेम होती है जो हम पहले पढ़ते आए बिल्कुल सेम टू सेम होती है कि भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रिगमेंटेशन से होती है ए सेक्शुअल रिपोडक्शन जूस पोर से होती है और मेस्टली पियर सेब्ड होते हैं इसमें फ्लैजिला होते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वैसे ही जैसे पहले बताई थी हमने आइसोगेमस एनाइसोगेमस और ओ क्लोरोफाइसी में भी ऐसी ही होती थी ठीक है और इसके एग्जाम्पल याद रख लीजिए गेमिट की फॉर्मेशन पियर सेब्ड होती है एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस डिक्टियोता लेमिनेरिन लेमिनेरिया सर्गेसम और फ्यूकस फ्यूकस लेमिनेरिया एक्टोकार्पस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं हम सर्गेसम के बारे में पढ़ चुके हैं हम लेमेरिया और सर्गेसम मैंने पहले भी बताया था कि ये फूड की तरह यूज होता है कोरोफायरा के साथ बताया था ठीक है और डिक्टिओटा इसमें आपको याद रखना पड़ेगा डिक्टीओटा ठीक है अब नेक्स्ट हम करेंगे रेड अल्गे रेड इन कलर होते हैं ठीक है और जैसे कि मैंने ट्रिक में बताया था तो इसमें कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होएगा ए एंड डी ठीक है तो इसमें इसके अलावा रेड पिगमेंट आर फाइको भी प्रेजेंट होता है ठीक है क्योंकि ये रेड कलर का होता है जैसे उसमें प्रेजेंट थे ना फिकोजेंथिन ठीक है तो इसी तरह से इसमें भी प्रेजेंट होता है क्या आर फाइको इराथरीन प्रेजेंट होता है ठीक है और ये ग्रेटर कंसेंट्रेशन वहां मिलती है वारमार एरिया में इनकी ठीक है और ये जो है वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर वहां पे प्रेजेंट होते हैं डेप्थ ऑफ द ओशन से प्रेजेंट होते हैं रिलेटिवली लिटिल लाइट होती है जहां पर वहां पर मोस्ट ऑफ द रेड एल्ग जो है मल्टी सेलुलर होते हैं कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी ठीक है और एग्जाम्पल हम उसकी कर ही चुके हैं एंड ठीक ठीक है 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 गले तो ये इसके पोरफायरा अब देखो यहाँ पे ना और रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो बिल्कुल सेम होगा जैसे उसमें था यहाँ पे ना एक टेबल दी हुई है इसमें इससे पहले हम ये जान लें कि इसमें फूड कौन सा प्रेजेंट होता है तो जो इसका फूड इसमें जो फूड प्रेजेंट होगा <clears throat> वो होगा फ्लोडे फ्लोरेडियन स्टार्च फ्लोरेडियन स्टार्च की फॉर्म में इसमें फूड होता है और जो जो फ्लोरेडियन स्टार्च होती है ना वो सिमिलर होती है किसकी तरह जैसे कि अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन जैसे उसमें प्रेजेंट होते हैं ना एनिमल्स में ग्लाइकोजन उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन की फ्लोरेडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है तो एग्ज़ाम्पल हो गए ग्ले गिडियम गलेसिलेरिया ठीक है पोरफाइरा पोलिसिफोनिया ये सब इसके क्या हो गए एग्जाम्पल हो गए ठीक है पी स्क्र जी स्क्र से फॉर्मूले से याद कर लेना पोर्फायरा पोलिसिफोनिया ग्लेसेरिया और ग्लेडीनियम ठीक है अब देखो एक टेबल में एक बार इसको देख लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ाया उसी वही दिया हुआ है इसमें टेबल में टेबल में टेबल को देख लेते हैं एक बार यहाँ पर यहाँ देखिए क्लोरोफाइसी कॉमन नेम ग्रीन एल्गे है ठीक है ऐसे करके पढ़ेंगे हम इसको रिसेंटली मेजर पिगमेंट क्या है ए एंड बी ठीक है फूड क्या है स्टार्च की फॉर्म में वॉल सेलुलोज से बनी होती है और बाहर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है पैक्टिन की ठीक है अब यहाँ पे टू टू एट एपिकल जो नंबर ऑफ फ्लैजिला हो सकता है ये हो सकते हैं और हैबिटेट क्या है फ्रेश वाटर में रह सकते हैं ब्रेकिस में रह सकते हैं सॉल्ट वाटर में रह सकते हैं अब फ्योफाइसी को क्या बोलते हैं ब्राउन एल्गे क्लोरोफिल क्या है ए सी जैसे बताया था ना मैंने ए ए तो प्रेजेंट रहेगा तीनों में इसमें बी इसमें सी और इसमें डी इसमें फ्यूकोजेंथिन में प्रेजेंट होता है ठीक है और जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो मैनीटोल और लैमिनेरियन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेलुलोज इनर सेल वॉल होती है और बाहर की तरफ म्यूक्लेजिन सीथ एल्गिन प्रेजेंट होती है इसमें अनइकवल होते हैं फ्लैजला और लेटरल प्रेजेंट होते हैं फ्रेश वाटर में ही होता है ब्रेकिस वाटर में भी होता है सोल्ट वाटर में लेकिन सेम टू सेम ठीक है को रेडल रेडलगे भी कहते हैं क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होते हैं और फाइकोराइथ्रिन जो फूड स्टोर होगा वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होगा सेलुलोज पैक्टीन एंड पोलीसेफलेट एस्ट्रस पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी होती है इसकी वेल वॉल होती है फ्लैजिला इसमें एबसेंट होते हैं ये ध्यान रखने वाली है फ्लैजिला इसमें एबसेंट होते हैं ठीक है फ्रेश वाटर ब्रैकिस वाटर सोल्ट वाटर इस तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं ठीक है ठीक है अब इसमें जो सू जो अब जब फ्लैजिला इसमें एबसेंट होते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें ऊ गेमस टाइप की होगी ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें ऊ गेमस टाइप की होगी और जो ए सेक्शुअल रिपोडक्शन होगी वो भी नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स के थ्रू होगी क्योंकि इसमें फ्लैजिला क्या है अप्सेंट है तो इन दोनों में सेम था लेकिन इसमें मोटाइल होंगे ही नहीं इस पम्प तो नॉन मोटाइल फॉर्म में ही ए सेक्शुअल रिपोडक्शन होगी नॉन मोटाइल फॉर्म में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो ऊ गेमस टाइप की हो सकती है ठीक है अब नेक्स्ट करेंगे हम इसको तो ये था अभी अबाउट एलगे हमने एक क्लास पढ़ ली है प्लांट आई प्लांट की प्लांट किंगडम की हमने एक डिवीजन पढ़ ली है दैट इज अ अलगे अब हम दूसरी पे जाते हैं ब्रायोफाइटा पे ठीक है अब ब्रायोफाइटा बेसिकली क्या है ये मोसिस और लीवर वर्ड होते हैं ठीक है और कॉमनली किस में फाउंड होते हैं जिसमें मोइस्ट एरिया रहता है हिल्स के में अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं पिक्चर्स दिए हुए हैं ठीक है ये एग्जाम्पल दिया हुआ है मार्केशिया का देखो इसमें अलग अलग होते हैं आठ आर्च ची गोनी फोर अलग है और एनथ्री डी फोर अलग है ठीक है अभी इस पिक्चर में देख लो ये जो है थैलस लाइक -like का स्ट्रक्चर है और ये ए सेक्शुअल रिपोर्टक्शन के लिए गैमा कप इसमें दिखाए गए ये रूट लाइक -like स्ट्रक्चर है राइजोइड्स रूट नहीं है ट्रू रूट लाइक -like स्ट्रक्चर है राइजोइड्स हम इसको बोलते हैं अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे पहले एक बार आप देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए ये ऊपर लीवर वर्ड्स दिए हुए थे मार्केसिया ठीक है और फीमेल्स और मेल थैलस दिया हुआ था ये दिया हुआ है फुनेरिया का ठीक है फोनेरिया दिया हुआ है इसमें ये कैप्सूल है ऊपर देख रहे हो आपके कैप्सूल है ठीक है ये सीटा है ये लीव्स हैं ठीक है ये ऊपर जो था वो स्पैरोफाइट है नीचे जो है गेमेटोफाइट है ये मैनेक्सिस है और ये राइजोर्स एंड लाइक स्ट्रक्चर ठीक है और दूसरा जो हमें दिया हुआ है ये स्पेगनम दिया हुआ है ठीक है ये फोनेरिया था ये स्पेगनम है इसमें ब्रांचेस दी हुई हैं ये आर्चे गोनियल ब्रांचेज हैं ठीक है तो इस तरह से जो है इसमें ना ये एनथीडियल ब्रांचेस भी हैं मतलब दोनों ही इसमें एक में प्रेजेंट है यहाँ अलग अलग थे ना दोनों एक ही तो ब्रायोफाइट में बेसिकली क्या होते हैं मोसिस एंड लीवर वर्ड ठीक है जिसमें लीवर वर्ड में था मार्केसिया एग्जांपल बता दिया था और मोसिस में फुनेरिया और स्टैग्नम इसके दो पिक्चर्स दिए हुए हैं ठीक है थीके? अब नेक्स्ट करते हैं हम आगे ब्रायोफाइटा क्या चीज़ होती है इन्हें ना एम्फियन एम्फीबियंस भी बोलते हैं जैसे कि मेंढक होते हैं ना एम्फीबिया होते हैं तो वो क्या करते हैं पानी में भी रहते हैं उनका आधा लाइफ साइकिल पानी में चलता है और आधा पानी के बाहर तो इनको भी प्लांट किंगडम का क्या बोला जाता है एंथीबिया बोला जाता है ठीक है क्योंकि इन्हें पानी की भी जरूरत है और पानी से बाहर भी जरूरत है जो ये वाटर के लिए ना अपनी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं डैम्प एरिया में ह्यूमिड एरिया में सेडिड लोकेशन पे ये जो है प्रेजेंट होते हैं बेयर रॉक्स पे सोइल्स पे ये प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब एक्चुअली में क्या होते हैं ब्रायोफाइटा ठीक है लाइक -like होते हैं प्रोस्ट्रेट होते हैं इरेक्ट होते हैं और इनको ना अटैच करने के लिए सब्सट्रेटम चाहिए होता है अब इन यूनिसेलुलर भी हो सकती है इनकी राइजोइड मल्टी राइजोइड जो रूट लाइक स्ट्रक्चर था ठीक है लेकिन इनमें ट्रू रूट स्टैम्प और लीव्स नहीं होती हैं किसी भी कीमत पे ठीक है और जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो हैप्लोइड होती है जैसे कि बाकी प्लांट्स में टू एन इन नंबर होती है ना मेन प्लांट बॉडी लेकिन यहाँ पे क्या होती है हेप्लॉइड होती है और जो गैमिटो इसको बोलते हैं गैमिटोफाइट ये वो जो देखा था ना आपने में मार्केसियम लाइक स्ट्रक्चर वो गैमिटोफाइट था ठीक है और अब ये जो है ना गैमिट प्रोड्यूस करते हैं ठीक है जो गेमिटोफाइट है वो गैमिट प्रोड्यूस करते हैं और मेन प्लांट बॉडी होती है ठीक है अब जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट के वो मल्टीपल हो सकते हैं जैसे कि एंथ्रीडियम हमने अभी देखा था एंथ्रोजोइड्स बनाता है और आर्चिगोनियम जो क्या बनाता है एग बनाता है ठीक है उसके बाद ये दोनों फ्यूज होकर बना देते हैं वैसे ही रिडक्शन डिवीजन करेगा तो मल्टी सेलर बॉडी हो जाएगी स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट अब अब ये ये जो होता है, 2N होता है 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 नंबर ठीक फ्री लिविंग नहीं होते ये क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं किसके गेमेटोफाइट से और इसी से गेमेटोफाइट से जो है अपना नरिशमेंट लेते हैं तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइट है और जो अटैच उससे बॉडी है वो स्पोरोफाइट है टू एन जो होता है ठीक है अभी स्पोरोफाइट के कुछ जो इस्पेरोट जो होता है वो उसके जो कुछ सेल डिवाइड हो जाते हैं नरिशमेंट लेते हैं ठीक है ठीके? और हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं अब जो हैप्लोइड स्पोर्स हैं वो ग्रो होकर फिर से क्या बनाते हैं गेमेटोफाइट इस तरह से इनका लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है ठीक है अब देखो ये फूड भी प्रोवाइड करते हैं हर बीज के एनिमल्स के लिए बर्ड्स के लिए इसकी स्पीसीज फेगनम मोस ठीक है वो पीट प्रोवाइड करती है और फ्यूल की तरह यूज होती है बहुत टाइम से ठीक है और ये जो है ट्रांसिपमेंट ऑफ मटेरियल में भी यूज करते हैं क्योंकि जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है ना स्टागनम की वो ज़्यादा होती है अभी हमने एलगे में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था एल्गिन था ना जिसकी वाटर कोलेडियल कैपेसिटी थी ठीक है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है स्टागनम में ठीक है तो मोसिस मोसिस अलॉन्ग विद लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम टू तो कोलोनाइज रॉक जैसे लाइकन जो है वो रॉक्स पर रहते हैं ठीक है पोल्यूशन नहीं होता वहीं होते हैं लाइकंस एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन था ऐसे ही जो मोसेज होता है ये भी रॉक्स पर होते हैं ठीक है और इनकी भी ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये रॉक्स को ब्रेक करके क्या बना देते हैं सोइल और जिससे कि उनमें हायर प्लांट जो है ग्रो हो सकते हैं तो दैट इज ऑल अबाउट एल्गे अब इसके हम फर्दर पार्ट्स कर लेते हैं क्लासेस कर लेते हैं तो ये लीवर वर्ड और वो मोसेज में डिवाइड होता है अब हणेंगे लीवर वर्ड के बारे में जिसे मार्केसिया का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा भी दिया था कि जो मार्कि की जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है ठीक है और कहाँ ग्रो करते हैं ये मोइस्ट सेडी हैबिटेट में ग्रो करते हैं डैम्प सॉइल में बार्क ऑफ ट्रीज में डीप इन वुड में वहाँ ग्रो करते हैं थैलोइड बॉडी होती है छोटे छोटे गेमा कप्स प्रेजेंट होते हैं पिक्चर अभी दिखाई थी मैंने आपको ये ए सेक्शुअल रिपोडक्शन में हेल्प करते हैं ठीक है ब्रेक डाउन हो जाता है इनका और देन तो ये इसमें जो होता है जो फोर होते हैं वो अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं मेल पार्ट अलग प्लांट अलग होता है फीमेल थैलस अलग होता है प्लांट नहीं बोलेंगे थैलस बोलेंगे इसको हम ठीक है तो उसमें क्या होता है कि ये स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड देन कम्बाइंड टू फॉर्म द जाइगोड्स और इनके जो रिप्रोडक्शन के लिए जो है वाटर की वाटर में ही हेल्पफुल होते हैं क्योंकि जो ये मोटाइल होते हैं और मूव करके दूसरे उस तक जाते हैं ठीक है तो ये एक एग्जाम्पल था और बाकी मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से होती है मेन जो बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है और स्पोरोफाइट उनसे जो नरिशमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर सेम ही चीज़ें होंगी कि गेमेटोफाइट में जो स्पोर्स होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे जाइगोड बना देंगे जाइगोड से क्या बन जाएगा इस्पोरोफाइट्स बन जाएगा स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा स्पोर प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स क्या होंगे स्पोर जो होंगे वो जो 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 होंगे एनिन नंबर होंगे और जो स्पोर्स एन इन नंबर होंगे वो क्या बना देंगे फिर से गेमेटोफाइट कंडीशन जो हैं वो बना देंगे अब हम मोसिस करेंगे देखो जैसे लीवर वर्ड्स होते हैं ऐसे मोसिस होते हैं दूसरे ब्रायोफाइटा में और इनमें ना दो स्टेज होती हैं एक होती है प्रोटोनिमा स्टेज प्रोटोनिमा स्टेज इसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं और सेकेंड स्टेज होती है लीफी स्टेज इसमें क्या होता है लाइफ साइकिल जो मोसिस का होता है गैमेटोफाइट होता है और टू स्टेजेस में होता है गैमेटोफाइट लिवर वर्ड में भी होता था लेकिन इसमें टू स्टेजेस में होता है एक होती है प्रोटोनिमा स्टेज जो कि डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर्ट से ठीक है और इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्रिक्वेंटली फिलामेंटियल स्टेज और सेकेंड स्टेज होती है लीफी स्टेज इसमें क्या होती है लीफ डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है और ये किससे डेवलप होती है सेकेंड प्रोटोनिमा की बर्ड से डेवलप हो जाती हैं ठीक है अपराइट अटैच्ड होता है ठीक है इसमें और जो है इसमें सूटलाइक स्ट्रक्चर -like और रूटलाइक स्ट्रक्चर -like हो जाता है जिसे हम मेन एक्सिस और राइजोइड्स बोलते हैं और यही सेक्स ऑर्गन बीअर करते हैं ठीक है थीके? अब वेजिटेटरी रिप्रोडक्शन किससे होएगी फ्रेगमेंटेशन या बर्डिंग से हो जाएगी सेकेंडरी प्रोटोनोमा के ठीक है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन होते हैं आर्थिन आर्थेनिडिया और आर्थिनिगोनिया ठीक है जिसे मैंने आपको दिखाया अभी था फिर जाइगोड प्रोड्यूस करते हैं और सेम टू सेम एग्जांपल और इसमें जो डेवलप होता है ये फूड सीटा और कैप्सूल मेसपोरोफाइट जो होता है वो फूड सीटा और कैप्सूल में पिक्चर मैंने दिखाई थी आपको ठीक है अब इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे जैसे कि फुनेरिया है पोलीट्राइकम है स्पैगनम है देखो फुनेरिया की पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी स्पेगनम की पिक्चर आपने दिखाई मैंने आपको दिखाई थी आपको याद रखना है पोलीट्राइकम ठीक है और इस इस्टेगनम के बारे में आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है पीट की तरह यूज होती है क्योंकि ये एक पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी यूज होती है और पीट जो होता है वो फ्यूल होता है तो इस स्टेगनम के बारे में याद रखना है मोसिस के बारे में और इनकी बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है ठीक है क्योंकि ये जो है वो सोइल रॉक्स पे ग्रो ग्रो करके सोइल में कन्वर्ट कर देते हैं तो पोली इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट क्लास है पे अब हमने एलगे पढ़ लिया कंप्लीट उसकी क्लासेस पढ़ ली हमने ब्रायोफाइटा पढ़ लिया उसकी क्लासेस पढ़ ली अब हम करेंगे टैडियोफाइटा टैडियोफाइटा फाइटा में जो है वो होस्टेल्स और फर्न इंक्लूड करती हैं ठीक है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज होता है और सोइल बाइंडर की तरह भी यूज होता है और फ्रिक्वेंटली जो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं ना अपने आसपास वो ऑर्नामेंटल की तरह है क्योंकि ये बहुत सुंदर पौधे होते हैं ठीक है और इस इसमें जो ना फर्स्ट टेरिस्टिल प्लांट है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं ये ध्यान रखना अभी ब्रायोफाइटा तक जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं थे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये भी कूल cool डैम और सेडी प्लेस में होते हैं ठीक well है और वेल फ्लोरिस्ट होते हैं सेंडी सोइल कंडीशन में ठीक है <laughs> अब देखो ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट फेज था वो गेमेटोफिटिक फेज था ठीक है ब्रायोफाइटा तक एलगे में भी गेमेटोफिटिक फेज था ठीक है एक आधे एलगे का एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आपको फ्यूकस का वो बाद में बताऊंगी कि उसमें नहीं होता गेमेटोफिटिक फेज ठीक है लेकिन मोस्टली uh, एल्गे में और uh, ब्रायोफाइटा में गेमेटोफिटिक फेज था अब यहाँ पर जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट मतलब स्पोरोफिटिक मेन बॉडी जो बो, प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है और डिफ्रेंशिएटेड होती है ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में अब देखो रूट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो बन रहे थे ब्रायोफाइट में लेकिन ट्रू नहीं थे अब इसमें टेडोफाइट में ट्रू बनना स्टार्ट हो गया और वेस्कुलर टिश्यू भी हो गए इसमें ठीक है अब जो लीव्स होती हैं टेडोफाइट की वो स्मॉल होती हैं माइक्रोफिल्स ठीक है जैसे कि स्लेजिला में और लार्ज होती हैं जैसे कि माइक्रोफिल्स जैसे कि फंड में ठीक है तो इस तरह से होती हैं और जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उनको स्पोरेंजिया बोलते हैं लीफ लाइक अपेंडिक्स से ये होते हैं उनको अटैच होते हैं इनको स्पोरोफिल्स spor... बोलते हैं ठीक है और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रोबलाई भी होते हैं उसमें कुछ जैसे कि स्लेजिला और इक्विस्ट सेटम में ये देखने को मिलते हैं और जो स्पोरेंजिया होता है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है म्यूसिस के थ्रू इन स्पोर्स मदर सेल्स और इस तरह से वो जर्मिनेट होते हैं स्मॉल बट मल्टी सेलुलर अब नेक्स्ट करेंगे हम इसमें ये देखो एग्जाम्पल दिखाया हुआ है इसमें एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे ठीक है ये एग्जाम्पल दिखाया हुआ है स्लेज का ठीक है सिले का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है और ये एग्जाम्पल दिखाया हुआ है इक्वी सैटम का देखो इसमें ये ऊपर एक मिनट में दिखा देती हूँ उसको दिख नहीं रहा इसमें ये देखो ये स्ट्रोबलस है ठीक है स्ट्रोबलस है ये ये नोट्स हैं और इंटर नोट्स हैं और यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये लीव्स लीव्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं सॉरी लीव्स ही होती हैं ये तो ठीक है और यहाँ पे आप सी देख पा रहे होंगे कि ये फर्न है है ना ये सुंदरता के लिए इसको लगाते हैं और ये है सेलवीनिया तो इस तरह से होते हैं ये स्ट्रक्चर टेडियोफाइट्स के ठीक है अब देखो फ्री लिविंग जो होता है फोटोसिंथेटिक थैलोइड गेमेटोफाइट जिसको हम बोलते हैं प्रोथेलस और ये जो गेमेटोफाइट होते हैं कैसे एरिया में रहते हैं कूल डैम प्लेस में रहते हैं ठीक है और जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इनकी वाटर वाटर रहती है फॉर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें भी पानी की जरूरत होती है जैसे ब्रायोफाइट को जरूरत होती थी लेकिन ये जो स्पीसीज होती हैं ये कुछ जगह तक ही लिमिटेड हो जाती हैं क्योंकि भाई बहुत जगह पे पानी नहीं मिलता और इनको पानी की नीड होती है ठीक है गेमेटोफाइड में फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्चीनिगोनिया प्रेजेंट होता है जो कि एंथ्रोजोइड और आर्चिन एग जो है वो करते हैं और वो उससे जाइगोड बनता है इसमें भी होमोस्पोर्स होते हैं जैसे कि सलेजिलना और सल्विया में और हेट्रोस्पोर्स भी होते हैं ठीक है थीके? इस तरह से जो है इसमें फिर क्या होता है ये सीड हैबिट भी जो है प्रोड्यूस करते हैं सीड हैबिट कंसिडर्ड की जाती है इसमें लेकिन ट्रू फॉर्म में हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ट्रू फॉर्म में जो है ये हो सकता है और इसको नहीं जो जो इसकी क्लासेस है उनको फर्दर एलाबोरेट करके नहीं पढ़ाया गया है एनसीईआरटी में ठीक है लेकिन जब हम इसको इलाबोरेटेड फॉर्म में लेंगे एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कुछ टॉपिक्स को जो हमें पढ़ने तब तब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे क्लासेस को तो ये फोर क्लासेस में डेवलप है फिलोक्सीडा एग्जाम्पल है फ्लोट फिलोटम लाइकोपसीडा एग्जाम्पल है सिलेजिलिना और लाइकोपोडियम सेफिनोक्सीडा इक्वी सेटा एग्जाम्पल है और टेरोप्सीडम के एग्जाम्पल हैं डायोपटेरस, टेरस और एडेंटियम एदेन, तो ये था टडियोफाइटा का जो कि एम्फीबियन से मतलब हम कहें तो गेमेटोफाइटिक जनरेशन से टू एन की तरफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन की तरफ पढ़ने लगा अब जिम्नोस्पम जो हो गए वो थोड़े और मॉडिफाई हो गए उसमें क्या जिम्नो का मतलब क्या होता है नेग्ड और स्पर्मा का मतलब सीड यानी कि इसमें सीड हैबिट डेवलप हो गई लेकिन सीड कैसी है नेग्ड है ठीक है ना तो नेक्ड है इसका मतलब इसके अंदर ओवरी नहीं बनती है ठीक है तो वो बिल्कुल नेक्ड रहते हैं लटके हुए रहते हैं बाहर वो ओवरी वॉल से एनक्लोज नहीं होते हैं ये इसमें अंतर होता है जिम्नोसपम में अब जिम्नोसपम क्या होते हैं ट्रीज फॉर्म में भी होते हैं देखो मिनिमम साइज से लेकर के मिनिमम साइज से लेकर के बड़े साइज में भी ये हो सकते हैं अब देखो एग्जाम्पल है कि जो जाइंट रेडवुड ट्री है सिकवा और ये टालेस ट्री स्पीसीज है सिक्वा तो ये जो है जिम्नोसपम है ठीक है और ये जो रूट्स कुछ जो है फंगल जो इंस्पेक्शन है वो माइक्रोरिजा फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पाइनस में हमने पढ़ा था ना कि जो फंजाई होती है वो माइक्रो जो है हायर प्लांट्स के साथ बनाती है एसोसिएशन तो इसमें एक पाइनस ट्री है उसके साथ ये माइकोरिजा बना देती है ठीक है और जैसे कि साइकस है उसकी स्पेसलाइड रूट जो है वो अः एंटू जो बैक्टीरिया होता है उसके साथ एसोसिएशन कर लेती हैं ठीक है ठीके? साइकस की और पाइनस की किसके साथ कर लेती हैं एसोसिएशन फंजाई के साथ फंगल्स के साथ ठीक है साइकस में ब्रांच अनब्रांच uh, रहते हैं ठीक है कुछ ब्रांच होते हैं जैसे कि पाइनर और सेटरस में होते हैं लीफ सिंपल भी हो सकती हैं कंपाउंड भी हो सकती हैं साइकल्स की साइकल्स की जो लीफ होती हैं वो पिननेट लीव्स होती हैं फ्यूर तक परसिस्ट करती हैं ठीक है थीके? और ये विद मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर टेम्परेचर में भी विद स्टैंड कर सकते हैं ह्यूमिडिटी या विंड की भी वाइट जो वरा वाइट जो इंटेंसिटी है उसको कर सकते हैं कॉनीफर्स जो है, -like होते हैं निडल लाइक होते हैं ठीक है तो उससे क्या होता है सरफेस एरिया उनका रिड्यूस हो जाता है और जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और थिक क्यूटिकल होती है जिससे कि वाटर का जो लॉस है वो ना हो सके तो ठीक है ये इस तरह की कंडीशन में भी प्रेजेंट तो यहाँ पे आप एक एग्ज़ाम्पल देख रहे होंगे ये ये जो एग्ज़ाम्पल देखने को मिल रहा है आपको साइकस का और ये जो एग्ज़ाम्पल है आपको पाइनस का देखने को मिल रहा है तो देखो इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें होता है और मेनली कौन सी स्ट्रोबलाई की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफिल्स होते हैं

तो देखो सभी में इस तरह से ही होता है स्पॉन्स में बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ठीक है इसमें प्लांट के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि इसकी लिंडर लाइक है इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दे दिया डॉफ सूट दे दिया इसमें इसमें ये डाफ़ सूट है ये छोटा सा और ये लॉन्ग सूट है इधर ठीक है ये लॉन्ग सूट है और ये जो है ऊपर वाला ये डाफ़ सूट है ठीक है इसी तरह से इसमें बनते हैं जाइगोड फॉर्मेशन हो जाता है और जो एम्ब्रियो बन के फिर ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है अब बस इतना डिफरेंस होता है कि जो इसमें सीड है वो ओवरी से कवर नहीं होती है तो दैट इज़ ऑल अबाउट द जिम्नोसपम इसकी क्लासेस के बारे में यहाँ पर अच्छे से नहीं दिया हुआ है बस यही दिया हुआ है ठीक है अब एनजीओस्पम्प angiosperm. एनजीओस्पम्प्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट्स में जब आगे हम इसकी पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे एनजीओसपम्प प्लांट्स की लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो सेक्शुअल ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है ये दो क्लासेस मोनोकोटोलिडनी और डाइकोटोलीडन में जो है वो डिवाइड होते हैं ठीक है थिके? इनका जो ओव्यूल होता है दैट इज कवर्ड बाय द ओवरी तो सीड इसमें नेक्ट नहीं होती हैं जाइलम और फ्लॉय बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं ठीक है और इसमें जो है एग अपरटस पूरा बनता है ओव्यूल बनता है ठीक है इसमें इसमें जो ओव्यूल होता है उसमें पूरा एग अपरटस बनता है उसमें सिनर्जिड सेल्स होते हैं इनमें फिली फॉर्म अपरटस होते हैं यहाँ एग होता है ठीक है यहाँ चेलेजल एंड की तरफ एंड की तरफ थ्री एंटीबोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है और यहाँ पे दो पूलर, पोलर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ठीक है थीके? तो इसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है एक के साथ इसमें सिनगेमी होती है फर्टिलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं दो मेल न्यूक्लियस होते हैं तो एक मेल न्यूक्लियस जो है एक के साथ फ्यूज हो जाता है एक मेल न्यूक्लियस जो है पोलर न्यूक्लिया के साथ तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन होती है मतलब फर्टिलाइजेशन दो बार एक ही साथ में तो इस तरह से इसमें होता है एनजियोस्पम में और फिर जो है वो फूड डेवलप हो जाता है जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और जो पोलर न्यूक्लिया के साथ हुआ था वो जो है वो एंडोस्पम में जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फूड को तो देखो किस तरह से इसमें दे रखा है कि किस तरह से इसमें बनती है पूरी दिखा रखा है कि जैसे कि ये हो गया फीमेल पार्ट हो गया ओवरी स्टाइल और सिगमा और ये मेल पार्ट हो गया फिलामेंट और एंथर अब ये माइक्रोस्पोर एनजीएस ने बना दिया इसने मेगास्पोर मदर सेल्स बना दिया माइक्रोस्पोर बना दिया इसने एग जो है बना दिया यहाँ से अब ये यहाँ पर आए पोलन ट्यूब के थ्रोस इनर्जिट में घुस गए और यहाँ से क्या एग सेल के साथ कंबाइन करके इन्होंने क्या बना दिया एम्ब्रियो और पोलर न्यूक्लियर के साथ क्या बना दिया एंड्रोस्पम एंड्रोस्पम क्या करता है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है तो ये गेमेंटोफिटिक जनरेशन थी ये स्पोरोफिटिक तो इसमें जो स्पोरोफिटिक जनरेशन थी वो क्या है हाई फेज पर है मतलब ये जो मेन जो इसका फेस माना जाएगा वो डिप्लोटिक फेस माना जाएगा तो आगे पढ़ते हैं आप देखो प्लांट ऑफ़ जनरेशन क्या थी ठीक है ऑफ़ जनरेशन का मतलब है कि कौन सा फेस किस में ज्यादा था तो देखो यहां से इसको पढ़ेंगे यहां से देखो इसमें कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो रिप्रेजेंट करती है वन सेल जाइगोट को ठीक है फ्री लिविंग स्पोरोफाइट इसमें नहीं होता है म्यूसिस जाइगोट के अंदर होती है जिससे कि हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और हेप्लॉइड स्पोर्स जो है माइटोटिकली डिवाइड होकर गेमेटोफाइट बना देते हैं तो जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेस होता है प्लांट का वो फ्री लिविंग गेमेटोफाइट होता है ठीक है एंड दिस काइंड ऑफ साइकिल इज कॉल्ड द हैप्लोंटिक जैसे हम किस में पड़ चुके हैं एलगे में ठीक है और किस में पढ़ चुके हैं हम इसमें हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल हम उसमें पढ़ चुके हैं ब्रायोफाइटा में ठीक है तो ये हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल हो गई ठीक है और इसमें इसमें ना मेनली जो ना हम अगर हम ब्रायोफाइटा इसमें नहीं लेंगे हम ब्रायोफाइटा क्यों तो नहीं तो लेंगे क्योंकि इसमें डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल भी बराबर चल रही है तो इसमें सिर्फ हेप्लोन्टिक में क्या हो जाएंगे वोलफोक्स स्पायरोगारा और क्लाइमोडोमोनास ठीक है तो क्योंकि डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल डिप्लोइड सिर्फ इसमें जायगोट होता है बाकी कुछ नहीं बाकी सब क्या होते हैं इसमें हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं फ्री लिविंग गेमिटोफाइट होता है इसमें अब डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइट्स होता है वो डोमिनेंट होता है फोटोसिंथेटिक होता है और सारा फेस उसी में होता है सिर्फ गेमिट फॉर्मेशन के टाइम पे वो हैप्लोइड होता तो मेन वो फो, फॉर्म होती है जो उसकी वो डिप्लोंटिक होती है और देखो जो एलगे थे वो क्या थे लेकिन फ्यूकस का एग्जाम्पल याद रखना फ्यूकस का एग्जाम्पल याद रखना दैट इज अ ब्राउन एलगे और इसका लाइफ साइकिल क्या होता है डिप्लोंटिक तो ये एक्सेप्शन है ये याद रखना फ्यूकस डिप्लोंटिक होता है ओगमस इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है ओगमस ठीक है फॉर्म में और बाकी तो आप जानते हैं कि इसमें सारे जिम्नोसपम और एनजीओस्पम आ जाएंगे क्योंकि उनकी पूरी ट्रू रूट लीव्स होती हैं ठीक है तो ये सारे इसमें आ जाएंगे ब्रायोफाइट और टेडियोफाइट में क्या होता है इंटरमीडिएट कंडीशन होती है मतलब देखो ब्रायोफाइट्स में जो होता है वो हैप्लोंटिक वाला फेज जो है वो डोमिनेट होता है जबकि इसमें डिप्लोंटिक वाला लेकिन दोनों ही फेज इसमें बराबर होते हैं इक्वली डोमिनेट होते हैं तो इसलिए हम इसमें देखेंगे कि जो हैप्लोंटिक डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल है वो किसमें होता है ब्रायोफाइट्स और टेडियोफाइट्स में होता है तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है तो ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द की मतलब उनकी लाइफ साइकिल में कौन सा फेज डोमिनेंट है उसके बेसिस में हम करते हैं ठीक है अब इसमें ना कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि मोस्ट जो एल्गे जनरा है वो हैप्लोंटिक है ठीक है लेकिन जो एक्टोकार्पस पोलिसिफोनिया कैल्प है ये हेप्लोडिप्लोंटिक है और फ्यूकस के बारे में तो हमने पढ़ लिया था ये डिप्लोन्टिक है तो ये याद रख लेना कि ई पी के e ठीक है e ई पी के ठीक है ई पी के e से याद रख लेना एक्टोकार्पस पोलिसिफोनिया और कैप ठीक है ये क्या होते हैं ये हेपलोंटिक डिप्लोंटिक आ, होते हैं एल्गे बाकी हम पढ़ चुके हैं कि एलगे में क्या होता है हैटिक साइकिल और जो जिम्नोस और एन में होता है डिप्लोटिक और और ब्रायोफाइटा और टेडियोफाइटा में होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक जबकि फ्यूकस में डिप्लोडो डिप्लोंटिक होता है और ईपीके एक्टोकार्पस पोलिसिफोर्निया और कैल्प में क्या होता है हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होता है तो ये था कंप्लीट चैप्टर अबाउट द प्लांट किंगडम आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा मैंने कोशिश की है कि इसमें सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एन की वो मैं कोट करूं और अगर आपको फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम उसे एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे फर्दर एक्सप्लेन करके सो थैंक यू